तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। वगैरह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आ चुका हूँ प्रीत विहार, और प्रीत विहार में रहती हैं अर्चना जी। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो छत है बहुत ही प्यारे से तरीके से डेकोरेट किया गया है। झूले हैं और पीछे वहाँ पर बेड भी लगा हुआ है, और पीछे पेंटिंग वगैरह भी किया गया है। तो बहुत ही प्यार से इन्होंने डेकोरेट किया है अर्चना जी ने। तो उनसे मिलवाता हूँ और उनकी गार्डनिंग जर्नी जानेंगे, कैसे कर रही हैं, कब से कर रही हैं इनकी गार्डनिंग जर्नी, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मेरे चैनल पे। थैंक यू सर। तो अर्चना जी का मैसेज आया था और उन्होंने बोला कि आप मेरे साई वाटिका में आ सकते हैं, तो मैं आज आया हुआ हूँ। और भाई यहाँ पर आया तो गार्डनिंग तो मैडम ने नेक्स्ट लेवल वाली की हुई है, और मैडम का अपना भी यूट्यूब चैनल है, मैडम ने अपने इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। हाँ, तो तीनों जगह एक्टिव है। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और इनको जाके वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। सर का भी डेली ड्यूड नाम से है, बहुत अच्छा ये काम करते हैं और मैं हमेशा इनको फॉलो करती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे। और आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अभी सर करेंगे कवर साई वाटिका को, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा और सर को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ओके सर। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गार्डनिंग जर्नी है वो आपकी कब स्टार्ट हुई? सर गार्डनिंग जर्नी तो मेरी 4 साल वैसे तो बचपन से शुरू हुई थी। okay. क्योंकि मेरी मम्मा के घर में ज़मीन का घर था। hmm. तो बहुत गार्डनिंग हमने बचपन से देखी है। okay. कोई सब्जी कोई कुछ नहीं जो मैंने उगती हुई ना देखी हो। okay. तो तभी से प्रकृति प्रेम जाग गया था। लेकिन मैरिज हुई, आपको पता है दिल्ली में। hmm. बेसिकली मैं दिल्ली की ही हूँ। हाँ. तो यहाँ पर क्या है कि थोड़े आपको पता है जगह की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी. तो इसलिए नहीं कर पाई अपनी इच्छा पूरी। लेकिन 4 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुई टेरेस के साथ में, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। Hmm. और मैंने सोचा कि शुरू किया जाए। okay. तो स्टार्टिंग मैंने कुछ गमलों से ही की। hmm. लेकिन धीरे धीरे आपको पता है ये चीज ऐसी है कि धीरे धीरे डेवलप होता है हमारे अंदर शौक। तो 2, 4, 6, 8, 10 और आज मेरे पास 400+ से ज्यादा मेरे बच्चे हैं। क्या बात है। और यहाँ पर 1 साल से मैं बहुत एक्टिवली कर रही हूँ सिंसियरली। हाँ. और 5 महीने से तो मैं बहुत ही पैशनेटली कर रही हूँ, जिसमें मैंने जितनी भी अपने गार्डन की डेकोरेशन की है वो सारी डेकोरेशन मेरी खुद की बनाई हुई है। कुछ भी आउटसाइड से कुछ भी नहीं लिया। और जो आप ये देख रहे हैं पूरा गार्डन टोटली 100% मैं मेंटेन करती हूँ, ना कोई माली है ना कुछ है। हाँ. इन बच्चों की सारी केयर सुबह से लेकर रात तक की मैं करती हूँ। सर ये मेरे एक्चुअली में वेजिटेबल का सेक्शन है ये वाला। अच्छा। और इसमें मैंने अभी ये बैंगन लगाया हुआ है। हाँ. और यहाँ मूली के बीज अभी बोए हैं मैंने 2-3 दिन पहले। उधर टमाटर है। हाँ. भिंडी भी लगाई हुई थी जो मेरी निकल गई, घिया भी था। हाँ. क्योंकि वो काफी वेजिटेशन खूब हार्वेस्टिंग हुई है मेरे यहाँ पर। क्या बात है। और बहुत सारे मैंने बैगन और वो सब निकाले हैं, खूब बनाए हैं। और ये मैं देखिए बीज बना रही हूँ इसका। हाँ. इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया है। नहीं तो मैं ये जैसे हो जाएगा ये बीज बन जाएगा जब मैं घर से ही बीज बनाती हूँ। क्या बात है मैम। तो जो भी बीज बन जाएगा फिर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा साइडों में लगा दूंगी। इसके अलावा देखिए सर मैंने पालक लगाया हुआ है। अच्छा, ये देखिए। हाँ जी, क्या बात है। ये मेरा पालक है, ये मेरा चुकंदर है, ये देखिए तोरी है, अभी पौध शुरू हुई है, ये मेरा करेला है। बहुत मतलब कि सारी सब्जियां लगाने की कोशिश पूरी। हाँ, पूरी मैं जितनी थोड़ी बहुत जगह है। हाँ. उसमें कोशिश ये पूरी करती हूँ। हाँ. कि मेरी जितना मैं आराम से कर सकूँ। हाँ. स्ट्रेस फ्री होके। हाँ. मैं उतनी वेजिटेबल्स लगाती हूँ। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा ये मेरा चंपा। चंपा सर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी कि स्टार्टिंग में अपने व्यूअर्स को कि मेरा जो गार्डन है इसमें 80% प्लांट्स कटिंग से है। अच्छा, कटिंग से ग्रो। हाँ जी, कटिंग से ग्रो है। 20% वो प्लांट्स हैं जो नहीं कटिंग से लगते या हमको कोई कटिंग देता नहीं है या थोड़े से महंगे होते हैं, तो वो मैं ज़रूर खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ। अदरवाइज़ अच्छा। मेरा 80% गार्डन कटिंग से है। बहुत तो स्टार्टिंग मैं यहीं से करती हूँ। ये मेरी चंपा है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कटिंग गिफ्ट की थी। अच्छा। और देखिए आज इसके 1, 2, 3 प्लांट्स हो गए हैं और खूब बढ़िया ग्रो। कितने सारे बच्चे हो गए हैं। ये मैं अपने जेठ जी के यहाँ से लाई थी गेंदे की कटिंग। ये बोगनवेलिया की कटिंग भी मैंने लगाई थी। हाँ। ये सारे ये टिकोमा 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 है, इधर बोगनवेलिया है। मैं पर 3 तरह के बोगनवेलिया हैं। हाँ। ये रोजेस हैं मेरे। क्या बात। और ये फ्रूट्स के भी मैंने काफी सारे लगाए हुए हैं। अच्छा। जिसमें ये देखिए अनार है, अनार का आप देख रहे हैं। क्या बात है। अनार के फूल आ रहे हैं। हाँ जी,
ये मेरा अमरूद है और मैं इसको शेडी अमरूद बोलती हूँ। शेडी अमरूद क्यों? क्यों बोलती हूँ? सर एक्चुअली मेरे पास सारा कुछ था, हाँ। तो मैं सोची थी मुझे अमरूद भी लगाना चाहिए, हाँ। लेकिन अमरूद सोच ही रही थी तभी पता नहीं कैसे मेरे गार्डन में एक जगह ये अमरूद का पौधा दिखा, हाँ। मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको गमले में बदला, रिपोर्ट किया और देखिए आज कितना बड़ा हो गया। इसलिए मैंने बाबा की देन समझ के इसका शेडी अमरूद नाम रख दिया। जो ना अपने मर्जी से आता है ना, तो वो बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा चलता है, हाँ। ये मैंने घर में खुद ही गुठली से लगाया है, हाँ। अब देखिए अभी तो छोटा है, आएंगे फ्रूट्स आएंगे इसमें। ओके। ये आम का है मेरा, बहुत बढ़िया। और ये मेरा 18 अगस्त है। 18 अगस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं हर ईयर बर्थडे पर अपने प्लांट लगाती हूँ। अच्छा। तो इसका नाम ही 18 अगस्त है। अच्छा, मुझे लगा कि फाइकस। हाँ, गोल्डन फाइकस है, लेकिन नाम इसका 18 अगस्त है। ठीक है, गुड गुड। और इसके अलावा ये सारे रियो सब कटिंग सब कटिंग से ये देखिए स्नेक प्लांट में मेरी फ्लावरिंग हो रही थी, हाँ। मैं औरों के देखा करती थी सर, हाँ। तो ये सोचा करती थी कि मेरे कब आएंगे स्नेक प्लांट में फ्लावर। जब तक बहुत पुराने नहीं होते हैं ना, हाँ जी, तब तक नहीं आते, हाँ जी। तो ये मेरे आ गए। ये मेरा हार सिंगार का पौधा, बहुत फूल आते हैं इसमें, आने वाला है इसका सीजन। और ये सारे सर रोज़ है मेरे, बहुत बढ़िया। ये सारे अनिशी मेरे रोज़ हैं। और ये मेरा नाग चंपा, बहुत प्यारा फ्लावर भी, बहुत प्यारा है ये और खूबसूरत भी बहुत है। रिपोर्ट का टाइम आ गया, इसका रिपोर्ट किया जाएगा इसको। ये सर मेरा ये डिश को कवर करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए मैंने इस सेक्शन पे थोड़े से छोटे प्लांट्स लगा दिए हैं। ये मेरे भोलू बाबा हैं, इनसे मिलिए। ये मेरे भोलू बाबा हैं और ये डराते भी हैं कबूतरों को और कौओं को, और सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ये लेमन ग्रास, अरे वाह, ये वेरीगेटेड बहुत सुंदर मेरे इसमें फ्लावर्स आते हैं बोगनवेलिया में। बोगनवेलिया, हाँ जी, रेड पिंक पर्पल सब तरह के मिक्स हो जाते हैं इसमें। बहुत सुंदर प्लांट है ये। ये मेरे नीलमणि का, हाँ। प्लांट बहुत रेयर प्लांट है लेकिन बहुत सुंदर है। इसमें विंटर्स में सर बहुत अच्छे गुच्छे भर भर के नीले रंग के फूल आते हैं। अरे वाह, हाँ जी। क्या नाम बताया इसका? इसका नीलमणि। नीलमणि, हाँ जी। अच्छा, किस किस तरह के फ्लावर आते हैं इसमें? छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं गुच्छे में, पूरे गुच्छे में आते हैं। अच्छा। नील, जैसे शंकर जी के कंठ में नीला रंग होता है, हाँ। सेम उसी रंग के आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, हाँ। और बहुत प्रिय है शंकर जी को, तो नीलमणि। नीलमणि, अच्छा। तो ये काफी रेयर है, हाँ। काफी रेयर प्लांट है ये। शमी का लगा रखा है मैंने, देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत होती है समी में, हाँ जी। अच्छा। अभी इस समय नहीं है, हो चुकी है, हाँ। लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, 2-3 कलर्स की फ्लावरिंग होती है मिक्स करके। ये मेरा पेंसिल कैक्टस अगेन, हाँ। कटिंग से। ये जितनी आप चंपा देख रहे हैं सर, हाँ। आप ये देखिए अनिश जी, जितनी चंपा है ये सब मेरी कटिंग से है। अच्छा, हाँ जी। एक लाइफ ही, उसके बाद से लगातार ग्रो कर, लगातार ग्रो, और देखिए आज कितना बढ़िया पेड़ का रूप ले लिया है। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, बहुत अच्छी। और नीचे क्या कौन-कौन से हैं? ये मैक्सिकन पिटूनिया है, हाँ। व्हाइट कलर का, मेरे पास इसके भी 3 कलर हैं। सफलेरा दिख रहा है मुझे। हाँ जी, हाँ। ये देखिए सर, ये देखिए अनिश जी, ये मेरा चाइनीज ऑरेंज है, बहुत भर भर के निकलते हैं, देखिए खूब फ्रूटिंग हो रही है इनकी। बहुत खट्टे होते हैं ना? बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन आप इसको ना, मैं टिप देती हूँ आप व्यूअर्स को कि इसको आप काट के ना, हाँ। जैसे हम सलाद में नींबू डालते हैं ना, हाँ। उसके बजाय आप इसे डालिए, ये नींबू से ज्यादा फायदा करता है। एक तो आपका गला कभी नहीं पकड़ेगा, हाँ। दूसरा इसमें फुल ऑफ विटामिन सी है। अच्छा। और तीसरा इसकी खटास उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, आपको डालना भी कम पड़ता है। तो आपको संतरे की पूरी जो विटामिन है, हाँ। वो पूरा आपको इसके जरिए मिलेगा, आपका गला कभी नहीं पकड़ेगा। क्या बात है, ये तो नहीं है। हाँ जी। और इसके अलावा आप इसकी शिकंजी बनाइए। अच्छा। हाँ, इसके पल्प आते हैं जब, हाँ। ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो आप जब निचोड़ेंगे तो पल्प भी आएंगे। तो इसमें शुगर डालिए या मिश्री आप जो भी डालते हैं, और पल्प डालिए इसका, और साथ में आप ठंडे पानी के साथ सर्व कीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया फंटास्टिक हमारा एक डेजर्ट बनता है इससे, सॉरी इससे मॉकटेल बनता है। मॉकटेल बनता है, हाँ जी। तो यहाँ दिख रहा है, ये मिर्ची का है क्या? नहीं नहीं सर, ये हमारा छोटी वाली ड्रॉफ चांदनी है। ये ड्रॉप चांदनी, हाँ जी, मेरे पास 4 तरह की चांदनियाँ हैं। अच्छा। तो उसमें से ये है, बहुत बढ़िया, हाँ जी। और उसके अलावा ये एक्जोरा, ये मेरा रजनीगंधा। रजनीगंधा के बारे में सर आपको बताऊं कि मैंने इसकी वीडियो जब डाली थी, हाँ। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि हमारे 2-2.5 साल हो गए हैं, हाँ। और हमारा ये नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रहा। आप बिलीव कीजिए, मैं एक NDMC का शो लगा था, हाँ। ये कनॉट प्लेस में, हाँ। फ्लावर शो, हाँ। तो मैं उसमें गई थी, हाँ। तो उसमें से मैं इसके मार्च के मिड में मैंने इसके लगाए थे, अब तो फ्लावरिंग खैर खत्म हो गई इसकी। तो वो जो मैंने लगाया, आप बिलीव कीजिए, एक महीने
पहले तक इसके फ्लावर्स आ रहे थे, 15-20 दिन पहले तक। तो मतलब मैं एक और आपको चीज बताऊंगी, ये सेक्शन सर वो सेक्शन है, यहाँ बैठ के मैं योगा करती हूँ और साथ में मैं योगा का मंत्रोच्चार करती हूँ ओम का, और साथ में ही गायत्री मंत्र होता है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे मंत्रोच्चार का इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि ये सेक्शन अभी मैंने 4 महीने पहले इसको रिपोर्ट किया था इस प्लांट को, और 4 महीने बाद आप इसको नीचे से अगर देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी जड़ें निकल आई हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। हम जहाँ बैठ के पॉजिटिविटी फैलाते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो पेड़ भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अनीश जी, ये मेरा बॉन्साई है बरगद का, और देखिए ये मैंने खुद बनाया है और 3 साल पुराना है। देखिए इसमें जटाएं इसकी आनी शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये। तो ये बॉन्साई मैंने खुद बनाया है, और भी मैंने बहुत सारे बॉन्साई बनाए हैं। ये मैं इमली का बना रही हूँ, ये देखिए ट्विस्ट करके नीचे इसका आ रहा है कोडेक्स, तो ये मेरा इमली का बन रहा है। और ये मेरा एडेनियम है, ये भी बहुत पुराना है और लो मेंटेनेंस है बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास जा रहा है। और इसके मैंने 4 बच्चे और बना दिए। क्या बात है, ये मदर प्लांट है और ये भी इसके बेबी प्लांट और है, जिसमें से एक बेबी प्लांट तो ये रहा, अरे वाह, और बाकी उधर है। तो बहुत अच्छा, आप इसको घर में कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा फ्लावरिंग का अलमांडा, अलमांडा भी मेरे पास अनीश जी 2 कलर के हैं, एक है येल्लो और एक है पर्पल। एक इधर है देखिए, ये पर्पल बहुत प्यारा कलर है, ये अभी तो कल खिले थे, मुरझा गए हैं लेकिन कलियां आ रही हैं इनमें। कलर बहुत प्यारा है इसका, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है ये। तो ये कौन सा है? ये हमारा मोगरा है। मोगरा आ गया ना? हाँ जी, ये मोगरा है, ये डबल चांदनी है। डबल चांदनी, हाँ जी। फूलों के भी आपने मतलब कि बहुत सारे पेड़ बहुत सारे पेड़ हैं मेरे पास, फूलों के भी सारे पेड़ हैं, सब तरह की वैरायटी मोस्टली है। एक ये सिंपल चांदनी, सिंपल चांदनी, ये सिंपल है बिल्कुल। ये देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, फूल तो भाई भर भर के आ रहा है। कलियां भी वैसे ही आ रही हैं, इसमें खूब आ रहे हैं, खूब बढ़िया आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं उनके बारे में, सच्चाई कि मेरा ये पौधा काफी पुराना है, 3-4 साल पुराना है। तो अनीश जी अपनी लाइफ पूरी कर चुका था, तो ये बेचारा खत्म हो चुका था। मैंने हार नहीं मानी और मैंने बस ईश्वर का नाम लेके, और जैसे मैं इनको प्यार और दुलार से पालती हूँ ना, ऐसे ही इससे बात करी, इसको प्यार किया, इसकी हार्ड कटिंग करी मैंने, बहुत ज़बरदस्त हार्ड कटिंग करी, और मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला और इसकी केयर करी बहुत प्यार से। और देखिए आज ये 3 पेड़ हैं जो बिल्कुल जा चुके थे, और आज देखिए कैसे फूल खिल रहे हैं, इनमें कलियाँ कैसे आ रही हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और हरा पत्ता देखिए कितना बढ़िया फ्रेश है, आपको किसी भी पत्ते में कोई भी रोग दिखाई नहीं देगा मेरे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इनको अगर प्यार से और दुलार से रखेंगे तो ये जरूर, ये देखिए छोटा सा पेड़ है ये मेरा नन्ना सा, ये देखिए कितना अच्छा ये फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ जी, ये मनी प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया, अपने घर से लेके कटिंग लगा दी थी, और देखिए कितना अच्छा जा रहा है, ये मैंने यहाँ लटका दिया। हमारे कलर कितने प्यारे आ रहे हैं, कलर बहुत प्यारा है, ये 2 कलर्स का है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने टोकरी एक नई बनाई है, ये भी पिंक डॉट हमारा है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, ये बस स्टार्ट हो गया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मैम का जो चैनल का नाम है वो है साई वाटिका, तो उसे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो उसे भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब उन्हें भी कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।